आप लोग हट जाओ बीच में। बढ़िया मौसम से श्वेता जी, आ जाओ छाव में, छाव में करते छाव में आ जाए। आप लोग साइड हो जाओ यहीं पे। बहुत बढ़िया हमारी डिजिटल टीम भी होगी। हाँ श्वेता जी खड़ा करना होता है। अरे इन लोग को तो हटाओ यार। चलो उनको देख से इन दुबई पर श्वेता मैम इधर रखिए। हां जी ये ऐसी बैकड्रॉप के साथ। मैं एक्चुअली जब कालकूट की कहानी मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद जो समझी और जो महसूस हुआ, आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, क्योंकि ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से नहीं मिलती हैं। तो मुझे लगता है ऐसी जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो मुझे उन्हें पकड़ लेना है और मुझे ये ट्राई करना है कि मैं पूरा जस्टिस कर पाऊँ, क्योंकि हम जो कहानियाँ बता रहे हैं असली कहानियाँ हैं। मतलब यस, जो मूवी में कहानी है ऐसा नहीं है कि पारुल is a real life person, but it is definitely inspired from girls and boys who are just like us, and I think वो अपने bubble से निकलना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को respect देना for their decisions, वो बहुत important है। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन के बारे में सबसे एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो हम भूल जाते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, कि एक है जो रक्षा करने वाली बात होती है ना, वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, क्लास, एज से डिफाइन नहीं होनी चाहिए। रक्षा करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, तो उसको लिमिट मत करो। आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ अपने दोस्तों के या घर वालों के, फैमिली मेम्बर्स की रक्षा करने वाले हो, एक दूसरी की करते हैं, क्योंकि उसके बाद एक वो जो प्यार एंड सपोर्ट बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, वो बहुत ज़रूरी है। रक्षाबंधन आई थिंक हमें रक्षा अपनी भी करनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये सिर्फ नहीं है कि दूसरों से, अपने आप से भी, अपने थॉट्स से जो अपने आप को हम बचाते हैं, एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम ईटिंग राइट, थिंकिंग राइट। तो वो सारी हेल्दी चीज़ें करिए जो आपके मन को सुकून दे, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस रक्षाबंधन मैं यही करने वाली हूँ कि व्हाट मींस रक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन। तो अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस बारे में मैं काफ़ी सोचने वाली हूँ और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। जी नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ये काली काली आंखें सीजन 2 हम शुरू करने वाले हैं शूट। उसके मैंने एपिसोड्स का नरेशन सुना है और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार है, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी शिखा अगेन। और मिर्ज़ापुर की तो बात जैसे ही रिलीज डेट आती है वैसे तो हम करेंगे ही करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि सबका ख्याल रखो, सबकी रक्षा करो, लेकिन उस सब में अपने बारे में मत भूलो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो जो अंदर से आती है, वो जब हमारे पास होती है तो हम वो दूसरों को भी दे सकते हैं, और उसमें एक्चुअली इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। सो लेट्स डू दैट, लेट्स बी द सपोर्ट एंड लेट्स बी रक्षक फॉर ईच अदर। थैंक यू, थैंक यू। अरे नहीं चलेगा विजुअल्स।